दोस्तों, जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, उन्हें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि वो इस तरीके से तैयारी करें कि वो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े सभी एग्ज़ाम्स में बैठ पाएं और उन्हें क्लियर कर सकें। इन एग्ज़ाम्स की बेसिक प्रिपरेशन मोर लेस सिमिलर होती है, क्योंकि इनका सिलेबस सेम साइज होता है, बस इनके लेवल में थोड़ा डिफरेंस होता है। इसलिए मोस्टली हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो कैंडिडेट्स बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, वो बाकी एग्ज़ाम्स भी क्लियर करते हैं। सिमिलर टाइप के मल्टीपल एग्जाम्स होने का बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर कोई कैंडिडेट सीरियस प्रिपरेशन करता है और बाय चांस दिन खराब होने की वजह से उसका कोई एग्जाम खराब हो जाता है, तो उसे जॉब लेने के लिए दोबारा एक साल तक वेट नहीं करना पड़ता। वो बैंकिंग के दूसरे एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिनका एग्जाम पैटर्न सिमिलर होता है और उनमें क्या डिफरेंस होता है, जैसे उनकी एज और एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या है, वैकेंसीज कितनी निकलती हैं, सैलरी कितनी मिलती है और जॉब लोकेशन क्या रहती है। बैंकिंग सेक्टर में जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम हैं वो हैं SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS CWE PO, IBPS CWE क्लर्क, IBPS RRB PO, IBPS RRB क्लर्क। ज़्यादातर बैंकिंग एस्पिरेंट्स इन्हीं एग्जाम्स को दिमाग में लेके प्रिपरेशन करते हैं। इनके अलावा और भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे RBI, LIC, NABARD और SEBI, जिनके लिए डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के PO, प्रोबेशनरी ऑफिसर और क्लर्क। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जनरल कैटेगरी में SBI PO के लिए एज 21 टू 30 ईयर्स और क्लर्क के लिए 20 टू 28 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। SBI PO के लिए मैक्सिमम 4 अटेम्प्ट्स अलाउड होते हैं, जबकि क्लर्क एग्जाम के लिए कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दोनों ही एग्जाम्स के लिए किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बात करें वैकेंसीज की, तो SBI PO की हर साल लगभग 2000 और SBI क्लर्क की हर साल 5 से 10,000 वैकेंसीज आती हैं। बात करें स्टार्टिंग सैलरी की, तो अलाउंसेज वगैरह मिला के SBI PO को अराउंड 70,000 और SBI क्लर्क को 35,000 ग्रॉस सैलरी मिलती है। SBI PO की जॉब प्रोफाइल की खास बात यह होती है कि इन्हें ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, जबकि क्लर्क्स को स्टेट में ही अलग अलग जगह पोस्टिंग मिलती है। नेक्स्ट बात करें IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की, तो इसमें दो टाइप के एग्जाम्स होते हैं, IBPS CWE कॉमन रिटर्न एग्जाम और IBPS RRB रीजनल रूरल बैंक एग्जाम। CWE नेशनल बैंक्स के लिए होता है और RRB ग्रामीण एरिया बैंक्स के लिए। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जनरल कैटेगरी में IBPS CWE PO के लिए एज 20 टू 30 ईयर्स और क्लर्क के लिए 20 टू 28 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। IBPS CWE PO और क्लर्क एग्जाम दोनों के लिए ही कोई भी अटेम्प्ट लिमिट नहीं है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोनों के लिए किसी भी स्ट्रीम में बेसिक ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बात करें वैकेंसीज की, तो IBPS CWE PO की हर साल लगभग 4 से 5,000 और IBPS CWE क्लर्क की हर साल 7 से 12,000 वैकेंसीज आती हैं। बात करें इनकी स्टार्टिंग सैलरीज की, तो अलाउंसेज वगैरह मिला के IBPS CWE PO को अराउंड 65,000 और क्लर्क को 38,000 ग्रॉस सैलरी मिलती है। बात करें इनके जॉब प्रोफाइल की, तो IBPS CWE PO को ऑल इंडिया में पोस्टिंग मिलती है, जबकि क्लर्क्स को एक स्टेट में ही अलग अलग जगह पोस्टिंग मिलती है। नेक्स्ट बात करें IBPS RRB की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जनरल कैटेगरी के लिए IBPS RRB PO के लिए एज 18 टू 30 ईयर्स और क्लर्क के लिए 18 टू 28 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। IBPS RRB PO और क्लर्क एग्जाम दोनों के लिए कोई भी अटेम्प्ट लिमिट नहीं है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोनों के लिए किसी भी स्ट्रीम में बेसिक ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बात करें इनकी वैकेंसीज की, तो IBPS RRB PO की हर साल 3 से 5,000 और क्लर्क की हर साल 3 से 7,000 वैकेंसीज आती हैं। इनकी स्टार्टिंग सैलरीज अलाउंसेज वगैरह मिला के IBPS RRB PO को अराउंड 60,000 और क्लर्क को 35,000 ग्रॉस सैलरी मिलती है। IBPS RRB PO और क्लर्क दोनों को ही एक पर्टिकुलर स्टेट में ही अलग अलग जगह पोस्टिंग मिलती है। नेक्स्ट बात करें RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसमें भी दो एग्जाम्स होते हैं, एक ग्रेड बी ऑफिसर का और RBI असिस्टेंट का।
इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो जनरल कैटेगरी में आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के लिए एज 21 टू 30 ईयर्स और असिस्टेंट के लिए 20 टू 28 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम के लिए मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट्स अलाउड होते हैं, जबकि असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर ही एक ऐसा लौता एग्ज़ाम है जिसके लिए 12th और ग्रेजुएशन में 60% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं, और आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए भी ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। बात करें वैकेंसीज की तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की हर साल लगभग 150 से 250 और असिस्टेंट की हर साल 800 से 1200 वैकेंसीज आती हैं, और इनकी स्टार्टिंग सैलरीज अलाउंसेज वगैरह मिला के आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की ग्रॉस सैलरी 1 लाख से भी ज़्यादा होती है और आरबीआई असिस्टेंट को 60,000 के अराउंड ग्रॉस सैलरी मिलती है। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का जॉब प्रोफाइल भी ऑल इंडिया पोस्टिंग वाला होता है, जबकि असिस्टेंट्स को एक स्टेट में ही अलग अलग जगह पोस्टिंग मिलती है। नेक्स्ट बात करें LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसमें भी दो एग्जाम्स होते हैं, LIC AAO और LIC असिस्टेंट का। बात करें इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो जनरल कैटेगरी में LIC AAO के लिए एज 21 टू 30 ईयर्स और असिस्टेंट के लिए 18 टू 30 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोनों के लिए ही ग्रेजुएशन चाहिए होती है, लेकिन LIC AAO के लिए एडिशनल 3 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। वैकेंसीज की बात करें तो LIC AAO की हर साल लगभग 500 से 700 और असिस्टेंट की हर साल 6 से 10,000 वैकेंसीज आती हैं। बात करें स्टार्टिंग सैलरीज की तो अलाउंसेज वगैरह मिला के LIC AAO को लगभग 80,000 और LIC असिस्टेंट को लगभग 40,000 ग्रॉस सैलरी मिलती है, और इनकी जॉब लोकेशन की बात करें तो दोनों को ही 8 में से एक पर्टिकुलर जोन में जो उनको अलॉट हुआ है उसी में ही अलग अलग जगह पोस्टिंग मिलती है। तो ये हैं बैंकिंग सेक्टर के मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्स, जिनमें अगर हम फैसिलिटी और सैलरी वाइज या ग्रोथ वाइज बात करें तो RBI ग्रेड बी ऑफिसर एग्जाम इस सब में से ऊपर आता है। RBI बाकी इंस्टीट्यूशंस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अलाउंसेज और फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। इनके अलावा नाबार्ड, सेबी और अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो बैंकिंग सेक्टर में ही आते हैं, लेकिन इनके एग्ज़ाम्स की वैकेंसीज बहुत ही कम होती हैं और इनके एग्ज़ाम्स का लेवल भी बहुत हाई होता है। तो ये थी बैंकिंग सेक्टर में डिफरेंट एग्जाम्स में हमारी छोटी सी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप पॉलिटिकल साइंस, फाइनेंस और अदर जनरल टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।